जूही, एक फिल्म स्टार बनने के बाद आपको कैसा लगता है? मुझे एक्चुअली अभी तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यू नो दिस इज द डे आई वर्क्ड फॉर, मैंने मेहनत की और जब फिल्म की तो इसलिए की कि लोग कभी रिकॉग्नाइज करेंगे, कभी कहेंगे कि आपने अच्छा काम किया, तो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। के चाहने वाले यानी कि आपके फैंस आपसे किस तरह से पेश आते हैं? आजकल मुझे काफ़ी फोन्स आते हैं, अबाउट 10-20 ज़रूर आएंगे एक दिन में, तो फिर कभी कभी मैं फ़ोन ले लेती हूँ कि भाई उनसे बात करनी चाहिए, तो जब मैं फ़ोन पे आऊँगी तो उन्हें यू नो समझ नहीं आएगी कि हम क्या कहें, तो कहते हैं आई रियली जूही, और एकदम यू नो उसके बाद यस आई एम जूही स्पीकिंग एंड देन धड़ाम द फोन गो डाउन, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि अब क्या कहें उसको। एंड आजकल काफ़ी लेटर्स भी आते हैं, ऑलमोस्ट 100, और उनमें काफ़ी डायलॉग्स लिखे होते हैं कयामत से कयामत तक के, और हर एक में होगा ज़रूर कि हमने 10 बार देखी या 15 बार देखी। अगर आप फिल्मों में नहीं आती तो क्या करती? समथिंग वेरी डिफरेंट, एब्सोल्युटली कुछ और ही करती थी। आई वुड हैव बीन आइदर डूइंग MBA या फिर मैं करती थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग फिल्म्स में, एंड देन ऑफ कोर्स मॉडलिंग मेरा पहला इंटरेस्ट था। अपने आप को पर्दे पर देखकर कैसा लगता है? एक्चुअली मुझे तो कहना नहीं चाहिए, आप लोगों को कैसा लगा? आई लव्ड इट, इट इज सो मच लाइक यू। अगर शूटिंग ना चल रही हो तो आप वक्त कैसे गुजारती हैं? फूलिंग अराउंड, कभी फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, कभी घर पे, कभी डांसिंग क्लास पे चली जाती हूँ, अगर सुबह सुबह उठ गई तो कभी कभी बैडमिंटन खेलने चली जाती हूँ, दिन गुजर जाता है। आपकी जिंदगी में किससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं? माय मदर, आई मीन शी हैज बीन अ करियर वुमन एंड शी हैज बीन अ नाइस मदर टू, सो इट्स लाइक एन आइडियल वुमन फॉर मी। सपनों की दुनिया में रहकर आप किस तरह का सपना देखा करती हैं? व्हाट आई ड्रीम अबाउट, ओके नाउ इट्स लाइक बिकमिंग, ओके आई एम गोना बी अ बिग स्टार समडे एंड बहुत अच्छी गाड़ियाँ होंगी मेरे पास, नाइस बिग हाउस एंड प्रॉब्ली वन नाइस फेलो। Thank you.
लवर्स, लव अफेयर्स जैसे विषय पर आपके क्या विचार हैं? I don't like you. Views on love. I haven't really been in love, so I'll just say what मैंने कहीं सुना हुआ है. Love is blind, marriage the eye opener. आपके सपनों का राजकुमार कौन है? कहीं मैं तो नहीं? Oh goodness. I don't know how to say this in Hindi. वो अच्छे होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, हाउ डू से गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड नाइस एंड केयरिंग एंड देन ही इज गॉट टू बी वेल ऑल ऑफ दैट एंड मे बी टॉल एंड हैंडसम टू. फिल्म नाजायज के सिर पे हमारी मुलाकात जूही से हुई और हमने उनसे पूछा कि वो अपनी सौंदर्य खासकर अपने बालों की देखभाल कैसे करती हैं. To tell you truthfully, I don't do anything very elaborate with my hair. I mean, you know, the routine is just keeping it oiled every 3-4 days. I have my grandmom, she, you know, puts coconut oil in my hair and it's helping it grow and grow thick. And shampoos, I am not very particular about any one brand that I might use. So shampoos are just about anything from Wella to anything. The other thing I wanted to ask you about, ye mante hain ki insaan ki rooprekha uske khan pan par kaafi nirbhar karta hai. To kya aap apni sundarta ko barqarar rakhne ke liye apne khan pan par vishesh dhyan deti hain? So give us a little bit of an idea. So you begin to look like a vegetable once you're eating vegetarian food, is it? Or you look like a chicken? No, you don't look like a chicken. If you eat chicken, I eat a lot of chicken. I am beginning to see it. What about food? What do you say? No, but I mean. कहने का मतलब है कि खाने का मेनू आप स्वयं तैयार करती हैं या आप जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद करती हैं? You just eat hamburgers and fried food, egg and sausage, chips and all of that. Are you cat? No. Just wondering. Now that I'm in the movies and one's always, you know, just trying to just stay in shape. Well, I avoid oily foods as such, and we eat normal things at home, which is you know, cooked in not too much oil or not too spicy. It's regular food, but it's not overdone in any way. So we keep to that, and I don't really have to do much more. ज़्यादातर आप किस तरह का खाना पसंद करती हैं? Indian, mostly Indian. Once in a way, when we get fed up of it, it's like Chinese or continental. You know, continental. Oh, the other day, sorry, we even had burgers at home. She did. It was like made at home burgers. So now you are. अब जबकि आप अपनी करियर की चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं. Am I? ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बातें कर पा रहे हैं. Oh, dar. You know, I do this once in a while. It just happens.